नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और आज के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यूमरोलॉजी को लेकर एक सीरीज चलाई जा रही है और आज हम बात करेंगे उसी सीरीज में नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं और वो ये बात है कि आप हमारे पेड मेंबर्स भी बन सकते हैं। आप 159 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और 159 का सब्सक्रिप्शन आपको देगा मेरी लाइव स्ट्रीमिंग्स के दौरान सवालों को पूछने का एक बेहतरीन मौका। 159 रुपए मात्र में आप हमारे पेड सब्सक्राइबर बनकर हमारे लाइव सेशंस के दौरान मुझसे सवाल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर सात क्या होता है? नंबर 7 अपने आप में बड़ा ही यूनिक नंबर है, केतु का नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि 7 नंबर जो होता है वो भगवान को बड़ा प्यारा नंबर होता है, मोक्ष का नंबर होता है और परमात्मा का बड़ा प्यारा नंबर होता है। तब भी तो परमात्मा ने जितनी भी चीजें इस सृष्टि पर बनाई हैं वो सारी के सारी 7 पर है। 7 फेरे होते हैं, 7 ग्रह है, 7 समुद्र है, 7 अजूबे हैं, कमल की पंखुड़ियां भी 7 हैं, 7 स्वर्ग और 7 सिंहासन भी हमारे वेदों में कहे गए हैं। यानी कि हर चीज 7 दिन होते हैं, हर चीज 7 के आंकड़े पर रखिए, क्योंकि ये परमात्मा को बहुत प्यारा नंबर है और परमात्मा को ये नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। 7 इस केतु, 7 अनुभव का नंबर है, एक्सपीरियंस का नंबर है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि नंबर 1, 2, 3 जो है वो बच्चा मैंने दिखाया था, नंबर 4, 5, 6 जो है वो मैंने जवानी की तरफ दिखाया था और नंबर 7, 8 और 9 जो है वो बुढ़ापे के नंबर बताए थे। और आप ये मान के चलिए कि 7 नंबर से बुढ़ापे की शुरुआत होती। तो व्यक्ति अगर बूढ़ा होता है तो अपनी जिंदगी के अनुभव, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखता हुआ आगे बढ़ता है और इस एज में आकर अपनी जिंदगी के अनुभवों को अपने साथ समेट कर रखता है। यानी ये नंबर 7 अपने आप में एक्सपीरियंस और अनुभव का नंबर है। 7 नंबर तजुर्बे का नंबर। प्यारे मित्रों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कभी भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीख पाते। मैंने अक्सर ये देखा है उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 नहीं होता है, वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से कोई सीख हासिल नहीं करते हैं और बार बार एक ही गलती को रिपीट करते हैं। अक्सर मैंने देखा है उन लोगों को, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया तो आपने, आप गुस्सा आया, आपने उससे नाराजगी जाहिर की, उसने आपसे माफी मांग ली तो आपने उसको माफ कर दिया और माफी देने के बाद आपने उसको फिर अपने दिल में वही जगह दी और उसने फिर से आपसे धोखा किया, फिर से माफी मांगी, फिर से धोखा। वो जितनी बार गलती करता है आप उतनी बार उसको माफ करते हैं और उसको दोबारा से गलती करने का मौका देते हैं। यानी कि आपने अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा, आपने एक बार के एक्सपीरियंस से यह नहीं सीखा कि इस व्यक्ति का जो नेचर है वो शायद धोखा देना है, लेकिन आप हर बार उसको जगह देते हैं। यही होता है 7 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से कभी नहीं सीखते हैं और एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनको जिंदगी में बहुत सारे नुकसान को उठाना पड़ता है। आध्यात्मिकता का लेवल इनका जीरो हो जाता है, परमात्मा का आशीर्वाद भी कई बार इनके साथ नहीं रहता है, बिकॉज ये अपनी ही गलतियां खुद दोबारा से रिपीट करवाते हैं, अपने ही अनुभव से ना सीखकर दूसरों को गलती करने का मौका देते हैं और वो गलतियां खुद भी रिपीट करते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगले वीडियो के अंदर मैं फिर बताऊंगा आपको, 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1, 2, 3 या 4 बार आ जाए तो क्या होगा अंकों का कैलकुलेशन आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। और अगर आप भी अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए भी सीख सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वैदिक वास्तु और टैरो कार्ड
के कोर्सेज हम ऑनलाइन क्लासेस में लगाते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को। नमस्कार, जय श्री राम।